नमस्कार। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के इस दौर में कुछ पॉलिटिकल मुद्दे बिल्कुल गौण होकर रह गए हैं, जैसे कि कश्मीर का मसला है। कश्मीर के मसले को लेकर कितना लंबी प्रक्रिया चली, कितना लंबा वहाँ के नेताओं को जेल में रखा गया है, ये सब मुद्दे चल ही रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो महामारी का एक पीरियड ये अब चल रहा है, इसमें ये सब बातें बिल्कुल ध्यान में ही किसी के नहीं आती हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कब रिहा हो गए, कब बाहर आ गए, बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया ये कोई नहीं जानता। उनसे पहले उनके पिता फारूक अब्दुल्ला रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, वो तो सांसद भी हैं और उन्हें कायदे से पार्लियामेंट भी जाना चाहिए, वो पार्लियामेंट नहीं गए सेशन में, और इसके बावजूद उनका कोई स्टेटमेंट कहीं नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इस सब चीज़ को लेकर सवाल उठते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कश्मीर में ये है कि महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री अब तक क्यों रिहा नहीं की गई हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों रिहा किए जा चुके हैं। इसके पीछे एक खास वजह है। इस खास वजह के लिए जिम्मेदार खुद महबूबा मुफ्ती हैं। देखिए वजह क्या है, पीछे थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाना होगा। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हमेशा से एक थोड़ा सा मध्यमार्गी रहे हैं। इन्होंने ये कभी वाजपेयी सरकार के समय बीजेपी एनडीए के साथ भी रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला वाजपेयी के साथ थे, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी के साथ संबंध इतने ख़राब नहीं थे। और इसके अलावा सबसे ख़ास बात ये है कि इनकी जो फैमिली है उसकी जो पॉलिटिकल जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। जैसे कि बहुत से लोग आप जानते ही होंगे कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा, यानी कि उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला, वो सचिन पायलट की पत्नी है, कांग्रेस के नेता के। और सचिन पायलट निश्चित रूप से एक ऐसी छवि के आदमी हैं कि अगर वो बीजेपी वालों को अपना कोई काम बताएंगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने निश्चित रूप से अपने ससुर साहब और अपने साले को बाहर निकलवाने में निश्चित रूप से एक भूमिका निभाई है। सब जानते हैं कि सारा अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पिता और अपने भाई की डिटेंशन के खिलाफ अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा था और ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। इस मुद्दे के बाद शायद ऊपरी लेवल पर ये बात भी हुई कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बाहर आने के बाद ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कश्मीर का माहौल ख़राब हो, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला पर इस तरह की धाराएं बीजेपी सरकार ने लगा दी थी। बीजेपी सरकार क्या कहूँ, बल्कि वहाँ के जो वहाँ पे इस समय उपराज्यपाल की जो व्यवस्था नहीं बनी है कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, तो उसके माध्यम से मोदी सरकार ने एक ऐसे कानून के तहत पीएसए जिसे बोलते हैं, फारूक अब्दुल्ला का डिटेंशन दिखाया था कि इसमें और 2 साल तक फारूक अब्दुल्ला को रखा जा सकता था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ये एश्योर कराया कि मैं बाहर आने के बाद ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे देश का माहौल ख़राब हो और थोड़ा इस वहाँ सरकार के कामकाज में दिक्कत आए। और उमर अब्दुल्ला की जब दाढ़ी बड़ी बड़ी हुई, लंबी फ़ोटो वायरल हुई, तो उसके बाद सबको सहानुभूति भी हुई। उमर अब्दुल्ला वैसे भी थोड़ा राष्ट्रवादी टाइप के आदमी हैं और उनका रवैया उतना कट्टर नहीं है जितना कि महबूबा मुफ्ती का रहा है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर, और मुख्यमंत्री बने थे उनके पिता मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके निधन के बाद वहाँ कुछ समय राष्ट्रपति शासन रहा, उसके बाद बीजेपी ने एक चांस महबूबा को भी दिया कि चलिए आपके पिता से हमारे संबंध अच्छे थे, हम आपको चांस देते हैं, लेकिन उन्होंने अलगाववादियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसी कि पीडीपी की पुरानी पॉलिसी रही है। जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर सरकार पीडीपी के साथ मिलकर बनाने का फैसला लिया था 5-6 साल पहले, उस समय आलोचना भी हुई थी। उससे आलोचना ये हुई थी कि मुफ्ती से बढ़िया तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं, इन्हें समर्थन दे दें। लेकिन उस समय उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ थे, वो कांग्रेस के साथ पहले वहाँ सरकार भी चला चुके थे, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो इस तरह से गड्ढमड्ढ हो रही थी आपस में कि
मोदी को ये लगा कि अगर महबूबा इस तरीके से हुर्रियत के लोगों को, अलगाववादियों को सपोर्ट करेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी और जो एजेंडा लेकर बीजेपी कश्मीर के लिए चल रही है उसमें प्रॉब्लम आएगी। और उसी के बाद ये फैसला लिया गया था कि अगर 2019 में सरकार फिर से मोदी की बनती है केंद्र में तो फिर वहाँ पर धारा 370 हटाई जाएगी। और देखिए पिछले साल अगस्त में वहाँ से धारा 370 हटाकर दो राज्यों में उसे बांट दिया गया, नई व्यवस्था लागू भी गई। 4-5 अगस्त की रात को ये तीनों नेता अरेस्ट किए गए थे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती को हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले ही श्रीनगर की जेल से हाउस अरेस्ट की पोजीशन में लाया गया है, उन्हें लगभग 8 महीने के बाद जेल से बाहर निकाला गया है। लेकिन इस दौरान महबूबा मुफ्ती एक के बाद एक गलती करती रही। उन्होंने अपनी बेटी इल्तजा मुफ्ती को इस चीज़ के लिए अधिकृत कर दिया कि तुम उनके स्थान पर प्रवक्ता बन जाओ, और उनकी बेटी इल्तजा सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट्स करती रही, अपनी माँ की तरफ से बयान जारी करती रही, मोदी सरकार पर हमला करती रही, मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करती रही। टीवी चैनलों पर भी इल्तजा मुफ्ती काफ़ी हाईलाइट हो गई। और केंद्र सरकार को ये लगा कि अगर महबूबा अपनी बेटी का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगी हमारे खिलाफ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दिक्कत कर सकती हैं। यही वजह है कि महबूबा को अब तक रिहा करने का फैसला नहीं लिया गया है। और ये इसके अलावा रही बात फारूक अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला ने अश्योर कराया है मोदी सरकार को कि मैं और मेरा बेटा जब तक कोरोना वाला प्रकरण देश में चल रहा है हम केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ना ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर कोई किसी तरह का बवाल कहीं होगा, और इसकी पूरी उन्होंने गारंटी दी है। यही वजह है कि अभी तक महबूबा मुफ्ती अंदर हैं और फारूक और उमर अब्दुल्ला बाहर हैं। उमर अब्दुल्ला निश्चित रूप से अपने ट्वीट्स के जरिए क्रिटिसाइज़ करते हैं सरकार को, लेकिन उन्होंने अब तक कश्मीर के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। और महबूबा तो लगातार कोशिश करती रहती हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर लोगों को जोड़ा जाए। एक मार्च भी निकाला था उन्होंने, उनके समर्थकों ने, लेकिन उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई में अभी और समय लग सकता है। इस मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर बात आगे करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।